नियोजन नीति को लेकर झारखंड में सियासत जारी है। वर्तमान सरकार की तरफ से लाई नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर इसको लेकर निशाना साध रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार को केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरे राज्य के हित की चिंता करनी चाहिए और ऐसा नियोजन नीति लाना चाहिए जो पूरे झारखंड के लिए हो। खंड में रहने वाले जो भी लोग, तो आप उनके लिए नियोजन नीति बनाइए ना, लेकिन उसके अंदर राजनीति मत कीजिए कि उर्दू को आप ले आइए और हिंदी अंग्रेजी गायब हो जाए, ऐसा कैसे होगा भाई। दूसरा है कि आप कहते हैं कि भाई जनरल क्लास या जो भी पिछड़ा क्लास जो भी है, उसके बाल बच्चे यदि बाहर में पढ़ेंगे 10वीं 12वीं, तो उसके बच्चे को यहाँ नहीं लाभ मिलेगा, भले ही वो मूलवासी ही क्यों ना हो, यहीं के 1932 ने 1908 के खतियानी क्यों ना हो, आप उनको क्यों नहीं दीजिएगा, दूसरे के में नहीं देते हैं। तो ये सब गलत है ना, ये सब ये बांटने वाला कार्रवाई है और यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया। आप ऐसा बनाइए जिसमें सबका हित तो हो, क्योंकि आप सरकार में है तो सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि सबों के हितों का ख्याल रखे। वहीं दूसरी ओर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि इस बार बजट सत्र के पहले सरकार नियोजन नीति ले आएगी, बीजेपी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका भी हम लोग उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं, आज भी मीटिंग है। जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी बजट सत्र से पहले हम लोग नीति ले आएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कुछ त्रुटियां हुई थी नियोजन नीति में, पर सरकार अब अगले एक महीने के अंदर नियोजन नीति फिर से ले आएगी। नियोजन नीति में कुछ कमियां रही, उन कमियों के आधार पर उस नियोजन नीति में ये निश्चय किया गया कि जो आशाएं और आकांक्षाएं युवकों की इतने वर्षों से इस सरकार से है, वो निराश महसूस कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छी नीयत के साथ और जो वादा किया था उसकी पूर्ति के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुसार जो कमियां उसमें पाई गई हैं उसकी पूर्तता करके हमें पूरा विश्वास है कि आगामी मुश्किल से ज़्यादा एक महीने के जल्द से जल्द सरकार के द्वारा नया प्रस्ताव पारित कर और इसके ऊपर में जल्द से जल्द अमल शुरू किया जाएगा। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।